गाइस हम बार्क के बारे में बात करने वाले हैं। जो बार्क आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो 19 नवंबर से स्टार्ट है, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी का है, तो मैं बेसिकली मैकेनिकल की बात कर रहा हूँ। मैकेनिकल में अगर मैकेनिकल ब्रांच से हैं आप तो आपको पता होगा कि कितनी वैकेंसी है। वैकेंसी यहाँ पे 328 है समथिंग, ठीक है। अब मैकेनिकल में क्या है, ठीक है, कैटेगरी स्टाइपेंड्री, स्टाइपेंड्री कैटेगरी वन। सेकंड वाले में आपके आईटीआई वाले आते हैं, फर्स्ट में आपके डिप्लोमा वाले, ठीक। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं, तो 40 क्वेश्चन आपके आते हैं, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहता है और निगेटिव मार्किंग वन बाई थर्ड, यानी 3 क्वेश्चन आपके अगर गलत होंगे तो 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है 40 क्वेश्चन आपको करने आते हैं, ठीक है। और इसकी बात हम जहाँ तक की बात करें कितना क्वेश्चन आप करें कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात करते हैं, आपको 100 प्लस स्कोर करना ही करना है। अगर इससे कम कर रहे हैं तो उसका मतलब आप आउट। 90 से अगर 100 के बीच में किया आपने तो आउट है, गारंटी बता रहा हूँ आउट हूँ। इससे बस थोड़ा सा ज़्यादा करना है, जैसे कि 90 और 100 आ रहे हैं ना, 101, 102, 103, 104 ये ला रहे हैं या 100 भी ला रहे हैं, ठीक है। तो आपका समझ लीजिए ईजिली क्लियर कर देंगे और इंटरव्यू देने चले जाएंगे आप। अब इतने नॉलेजेबल तो हैं आपके कि इतना बड़ा एग्ज़ाम आप क्रैक कर रहे हैं तो इंटरव्यू में क्या है, इंटरव्यू भी क्रैक कर लेंगे और हो जाएगा आपका, ठीक। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन इसका मतलब क्वेश्चन कितने हुए, क्वेश्चन भी तो आपको देखना पड़ेगा। तो लगभग आपको ज़्यादा नहीं, 32-33 बताऊंगा, 35-36 क्वेश्चन 40 में से मैक्स टू मैक्स इतने करने पड़ेंगे, इजीली हो जाएंगे। आप 34 भी करेक्ट कर रहे हैं तब भी हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इससे कम अगर कर रहे हैं, 33 कर रहे हैं, 30 कर रहे हैं, 32 कर रहे हैं, 29-28 वालों को तो एकदम बाहर है। इससे नीचे जाने वाले देखिएगा, आपका लड़के 39-39 करते हैं, 40-40 करते हैं, चलिए भाई 40 क्वेश्चन का हो रहा है, 40 क्वेश्चन करना है। अब 40 में आप 20-25 करेंगे तो कहाँ से होने वाला है। यहाँ तक कि जब देखते हैं अब 100 में 90-90 जाता है, सीट के अकॉर्डिंग होती है, यहाँ पे सिलेक्शन होता है 1:3 के रिकॉर्डिंग। जैसे कि 328 सीट है, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 984 या लगभग 1000 लड़कों को बुलाएंगे वो, या 1200 भी बुला सकते हैं उनके ऊपर। तो आपको ये मान के चीज चलना है कि इतने लड़कों को सेलेक्ट करेंगे। अब बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका 100 होगा, 99 होगा, तो ये लोगों तो बाद में प्रीफर करेंगे। अगर हो सकता है सीट
अगर उन्होंने ज़्यादा लोगों को बुला लिया तो, लेकिन ज़्यादा लोग को बुलाने में नुकसान अपना है, क्योंकि ज़्यादा लोग को बुलाएंगे तो इंटरव्यू में आपको नुकसान होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग छोड़ देंगे, और कम रहेंगे तब भी आपको देखिए ऐसे 3 में से 1 लोग को लेंगे वहाँ भी, या 9 में से 1 लोग को लें, या 12 में से 1 लोग को लें, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसके बाद से बात करते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा कैसे स्कोर करें, इसके बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, टोटल टेक्निकली आपका क्वेश्चन आने वाला है 40 पे 40। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जिस भी ब्रांच से है, मान ली मैकेनिकल से, कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना है, पढ़ के जाएंगे बस उससे हो जाएगा। FM सोम, पावर प्लांट, RAC, IC इंजन और थर्मोडायनेमिक्स, इतने सब्जेक्टों को पढ़ के जाएंगे, मैं बता रहा हूँ 36 से 37 क्वेश्चन कर जाएंगे, अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो 40 में 40 कर जाएंगे। अरे एक आध क्वेश्चन कितने को मान 38 39 कर सकते हैं आराम से।